राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज सूची जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि 8 उम्मीदवारों के लिए यूपी भाजपा ने 14 से 15 नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है। उम्मीदवारों के नाम पर केंद्रीय नेतृत्व के मुहर लग जाने के बाद उसके घोषणा होने की उम्मीद बढ़ गई है। जैसे जफर इस्लाम, राधा मोहन दास अग्रवाल, सुरेंद्र नागर का नाम रेस में आगे बताया जा रहा है। अपर्णा यादव, भूपेंद्र चौधरी, विराज सागर दास का नाम भी रेस में बताया जा रहा है। इसके अलावा आरपीएन सिंह, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, शिव प्रताप शुक्ला भी दावेदारों में हैं। बाबूराम निषाद, जयप्रकाश सिंह, ये भी नाम दावेदारों की सूची में शामिल बताए जा रहे हैं। 31 मई को राज्यसभा के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है। उससे पहले बीजेपी खेमे से बड़ी खबर आ सकती है। तो चलिए, राज्यसभा का रण विजय फॉर्मूला क्या है ये समझते हैं। आज भाजपा प्रत्याशियों का नाम ऐलान करेगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। 11 सीटों पर राज्यसभा में चुनाव होने हैं। 7 सीट बीजेपी बड़ी आसानी से जीत सकती है संख्या बल के हिसाब से। सपा 3 सीटों पर मजबूती से दावा ठोक रही है। सपा ने अपने सिंबल पर सिर्फ एक प्रत्याशी को उतारा है। सपा रालोद गठबंधन से जयंत चौधरी हैं और सपा ने निर्दलीय कपिल सिब्बल को समर्थन दिया है, इसकी घोषणा है। और 31 मई तक नामांकन दाखिल करने का जो समय है यही है। अब 11 सीटों की फाइट क्या है? 11वीं सीट में जो है फाइट होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, सपा गठबंधन के पास 14 विधायक बचेंगे, बीजेपी के पास भी 14 विधायक बचेंगे, कांग्रेस के 2 विधायक भी वोट डालेंगे, राजा भैया की नई नवेली पार्टी, वो भी 2 विधायकों पर उनकी नजर रहेगी, और बसपा के इकलौते विधायक के फैसले पर भी सस्पेंस बरकरार है। यानी अगर 11वीं सीट की आप बात करें तो उस पर दिलचस्प लड़ाई होगी, खूब भीतर घात और सेंधमारी की स्थिति होगी, तब जाकर के एक कैंडिडेट का जीतना सामने हो पाएगा। क्योंकि जिस तरीके का समीकरण इक्वेशन आपको बताया हमने, उससे यही लगता है कि 11वीं सीट के लिए खूब जोड़ तोड़ होना संभव है। देखिए, इसी के साथ खबर यह भी मिल रही है कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है और किसी ब्राह्मण या पिछड़े वर्ग पर दांव लगा सकती है बीजेपी, ये बड़ी खबर आ रही है। यूपी भाजपा अध्यक्ष की रेस में कई नाम शामिल बताए जा रहे हैं, जिसमें भूपेंद्र चौधरी, संजीव बालियान का रेस में नाम है, बीएल वर्मा, सुब्रत पाठक, ये भी नाम चर्चा में है, सतीश गौतम, महेश शर्मा का नाम भी रेस में आगे बताया जा रहा है, और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का नाम भी रेस में आगे है। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पहले घोषणा संभव है। 29 मई को बीजेपी की कार्य समिति की बैठक होने वाली है और पिछड़े वर्ग से पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का नाम भी चर्चा में चल रहा है। तो देखिए, कौन होगा नया प्रदेश अध्यक्ष, इस पर अब निगाहें टिकी रहेंगी। कोई बड़ी खबर आ सकती है बीजेपी खेमे से, ये बताया जा रहा है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी शैलेश का, और शैलेश से समझेंगे कि भाई चर्चा किसकी किसकी है और नाम कब तक सामने आ सकता है, और ये इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होगा, 29 तारीख को कार्य समिति की बैठक से पहले ही सामने आएगा। तो शैलेश, ये बताइए कि किसके किसके नाम को लेकर के चर्चा चल रही है, कौन रेस में आगे बताया जा रहा है? देखिए, कुल 7 नाम हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं। इसमें 3 नाम जो हैं वो पिछड़े वर्ग से हैं और 4 नाम जो है वो ब्राह्मण वर्ग से हैं, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। और ये माना जा रहा है कि पार्टी अपना मन बना चुकी है कि किसको बागडोर सौंपनी है, किसको कमान सौंपनी है उत्तर प्रदेश की 2024 को ध्यान में रखते हुए। अगर हम बात करते हैं, देखिए, पिछड़े वर्ग से तो कैबिनेट मंत्री है भूपेंद्र चौधरी, लगातार दूसरी बार उनको मंत्री बनाया गया, उनका नाम है। दूसरी चीज अगर बात करें इसके बाद तो संजीव बालियान का नाम है और बीएल वर्मा, ये वो 3 नाम है जो पिछड़े वर्ग से अगर पार्टी किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो इन तीनों में से एक नाम हो सकता है। वही अगर बात करते हैं देखिए ब्राह्मण वर्ग से, तो ब्राह्मण वर्ग से जो नाम चल रहे हैं उनमें कन्नौज से सांसद है सुब्रत पाठक, उनका नाम है, सतीश गौतम का नाम है, महेश शर्मा का नाम है और पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का नाम भी इसकी चर्चा में चल रहा है। या ये वो 7 नाम है जिनमें 3 पिछड़े वर्ग के और 4 ब्राह्मण वर्ग के हैं, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। पार्टी मन बना चुकी है किसको बागडोर सौंपनी है, सिर्फ औपचारिक ऐलान कह सकते हैं, बाकी रह गया कल भाजपा की कार्य समिति की बैठक होनी है जिसमें आगे की योजनाओं को लेकर मंथन होगा, किस तरह से भाजपा आगे काम करेगी 2024 को लेकर, किस तरह से आगे बढ़ना इन चीज़ों पर। तो उससे पहले ये माना जा रहा है कि आज प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो सकती है। और देखिए, हम आपको बताएं कि कल ही हमारी
एक दो मंत्रियों से बात हो रही थी जब हम सदन के लिए गए, वहां पर मंत्रियों से बात हो रही थी। इसके अलावा भाजपा के जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं संगठन से जुड़े, उनसे हमारी बात हो रही थी। तो सभी लोगों ने इस बात को कहा कि आज नाम का ऐलान संभव है, किसी भी वक्त नाम का ऐलान हो सकता है। और कल की जो बैठक होगी, अगर नाम का ऐलान होता है तो कल की बैठक में जो इसको भी बागडोर सौंपी जाएगी नए प्रदेश अध्यक्ष की, वो उसमें शामिल होंगे, वो उसमें हिस्सा लेंगे। और देखिए, जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा, उसके बाद संगठन में कुछ और भी बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे प्रदेश के महामंत्री के जो पद है, प्रदेश उपाध्यक्ष से जुड़े जो पद है, उन पर भी बदलाव दिखेंगे। उसके पीछे भी देखिए वजह यह है कि अभी जब इस बार के चुनाव परिणाम आए तो उस बीच में कई प्रदेश संगठन के भी पदाधिकारी हैं जिनको चाहे विधायक का टिकट देकर वो जीते हो, मंत्री बनाया गया हो, या फिर उसके बाद उसके अलावा बिना टिकट दिए उनको जिताया गया हो कि बाद में MLC से वो जा सकते हैं। तो इस तरह की जो चीजें रही, अगर आप देखें JPS राठौर वो प्रदेश संगठन में पदाधिकारी और अभी सहकारिता मंत्री भी है, दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री है, उनको इस बार टिकट मिला, वो चुनाव जीत गया बलिया से, उसके बाद वो भी मंत्री बने हुए। और भाजपा की जो नीति है वो है एक व्यक्ति एक पद का, जो सिद्धांत जो नीति लेकर भाजपा चलती है उसके तहत इस तरह से जो और भी पद है जिनके पास संगठन का भी दायित्व है, जिनके पास सरकार में भी दायित्व है, उनके पास से एक दायित्व लिया जाएगा। ऐसे में संगठन में जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा उसके बाद कुछ और बदलाव देखने को मिलेंगे। और ये सारे बदलाव हो रहे हैं 2024 के समीकरण को साधने के लिए, जिसमें चाहे क्षेत्र की बात की जाए, चाहे जाति की बात की जाए, इन सभी चीजों को ध्यान में रख के मंथन किया जा रहा है कि आगे किस तरह की चीजें रहेगी। और शैलेश की इस वक्त जिसे भी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाएगी उसके ऊपर बहुत सारा दारोमदार 2024 की लड़ाई का होगा, और कौन इस समीकरण में फिट बैठता है, तमाम पैमानों पर खरा उतरता है, इसके अध्ययन के बाद ही ये फैसला लिया जाएगा। देखते हैं, ज्यादा इंतजार तो होगा नहीं, कब इस नाम का ऐलान होगा उसकी डिटेल्स हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शैलेश शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लोकसभा उपचुनाव की, जहां 23 जून को ये उपचुनाव होना है यूपी की दो सीटों में, रामपुर और आजमगढ़, और ये दोनों ही सीट समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत मानी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों सीटों पर सपा के प्रत्याशी होंगे कौन। आजमगढ़ से पहले मुलायम सिंह यादव सांसद थे, फिर अखिलेश यादव ने ये विरासत संभाली थी कहा जाता है, लेकिन अब उनके इस्तीफे के बाद डिंपल यादव के नाम के चर्चे चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा पेच जो आकर के फंस रहा है वो है रामपुर की सीट पर। अगर आजम खां की नाराजगी दूर नहीं हुई तो रामपुर में अखिलेश के सामने मुसीबत जरूर खड़ी हो सकती है। यूपी चले है डिंपल भाभी, अखिलेश जी के दिल बैठा दी। हम आजमगढ़ में पहली बेल आयल हाई, हम यहाँ की पटोई हाई है कि नहीं। डिंपल लड़ेंगी उपचुनाव, आजम का खत्म होगा ताव। 2024 का मूड बताएगी रामपुर और आजमगढ़ की जनता। रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव तो 23 जून को है, लेकिन जोर आजमाइश एक महीने पहले से ही तेज हो गई है, क्योंकि सवाल सिर्फ दो लोकसभा सीटों को जीतने का ही नहीं है, बल्कि अपनी साख बचाने और 2024 के लिए मजबूत संदेश देने का भी है। चर्चा है कि डिंपल यादव आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी बनाई जा सकती हैं, और जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजे जाने के बाद ये संभावना और प्रबल हो गई है। पर दूसरी तरफ सस्पेंस तो रामपुर को लेकर है, जो आजम खान का गढ़ माना जाता है। लेकिन आजम की नाराजगी ने इस सवाल को बड़ा बना दिया है कि रामपुर में अखिलेश क्या करेंगे। भाजपा अभी से ही रामपुर और आजमगढ़ को लेकर घेरा तैयार कर रही है, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के जनता के बीच में जाकर के घर घर आशीर्वाद लेकर के अपने केंद्र प्रदेश सरकार के जो हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उनको बता करके हम जनता का आशीर्वाद मांगते हैं। और आजमगढ़ रामपुर दोनों जगह हम लोग जीतेंगे, भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। देखिए, मैं डिंपल जी को भी हमारे सुब्रत पाठक जी ने हराया था, और आजमगढ़ में और रामपुर में इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही समाजवादी पार्टी के मजबूत किले हैं, और दोनों पर ही भाजपा मजबूती से बिल्डिंग सजा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद भाजपा के हौसले बुलंद हैं। 2024 की तैयारी में जुटे अखिलेश के लिए ये एक और परीक्षा होगी, और इस परीक्षा में ये भी देखना होगा कि राष्ट्रीय स्तर के लिए उनकी गठबंधन नीति कैसी रहती है, क्योंकि सवाल कांग्रेस का भी है जो अभी तक कुछ तय नहीं कर पाई है।
कि 2024 के लोकसभा तैयारी कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर दो सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, रामपुर और आजमगढ़। क्या कांग्रेस पार्टी लड़ेगी लोकसभा का उपचुनाव? देखिए, आने दीजिए, इस पर हमारी बैठकर पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा फैसला लेगा। अखिलेश यादव इस उपचुनाव में फिर कुछ नया प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रयोग उनके गठबंधन को लेकर भी हो सकता है, क्योंकि 22 का चुनाव वो भले हार गए हों, लेकिन 24 की तैयारी उन्होंने अभी से ही शुरू कर दी है। फिर चाहे कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजना हो या जयंत चौधरी के रालोद से गठबंधन और मजबूत करना। अखिलेश का दिल्ली में KCR से मिलना भी यही बताता है कि वो 22 की हार को भुलाकर 24 की तैयारी में तेजी से जुटे हैं। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, विधानमंडल के बजट सत्र में आज शनिवार को भी सदन की कार्यवाही जारी रहेगी। ऐसा पहली बार हो रहा है जब सदन की कार्यवाही शनिवार को भी चलेगी, जिसमें बजट पर चर्चा होनी है। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक बजट पर अपनी बात सदन में रखेंगे। इससे पहले कल समाजवादी पार्टी की बात करें तो पार्टी कार्यालय पर विधायकों को ट्रेनिंग दी गई। खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष यानी अखिलेश यादव वहां मौजूद थे। ट्रेनिंग सेशन में विधायकों को यह बताया गया कि बजट आखिरकार तैयार कैसे होता है, साथ ही आंकड़ों के जरिए सरकार को कैसे घेरना है, और इसी पर ट्रेनिंग दी गई, जानकारी दी गई। ये भी बताया गया कि सदन की परंपराओं का किस तरीके से निर्वहन करना होता है। तो ये बड़ी ट्रेनिंग रही विपक्षी खेमे में, और आज उसका ट्रायल भी हो जाएगा। उस ट्रेनिंग के जरिए तमाम विधायक किस तरीके से घेरेंगे। अब तक ये देखा गया था कि सदन में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में अखिलेश दिखाई देते थे, लेकिन अब उनके साथ विधायकों की भी जो मौजूदगी होगी वो स्ट्रांग हो, इसी पर ट्रेनिंग दी गई है। क्या है चक्रव्यूह प्लान, समझते हैं। देखिए, आज बजट पर चर्चा होनी है। सदन में हंगामे के आसार पहले से ही जताए जा रहे हैं। बजट पर सरकार को विपक्ष घेरेगी, और अखिलेश यादव ने सपा विधायकों को इसके लिए ट्रेनिंग दी है कि वो सरकार को घेर सके अच्छे से। कल ही विधायकों की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, और ऐसा पहली बार होगा, सोचिए, कि शनिवार को सदन में कार्यवाही चल रही है और विपक्ष की पूरी तैयारी, ट्रेनिंग के साथ विपक्ष आया है कि सत्ता पक्ष को सरकार को कैसे घेरा जाए। और 31 मई तक ये बजट सत्र चलेगा, शनिवार को भी चलेगा, ये बड़ी खबर है। और देखिए, इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। तमाम बड़ी खबर के बीच हम आपको ये बताते चले कि इस वक्त देवबंद में जमीयते उलेमा हिंद का राष्ट्रीय सम्मेलन, दो दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी, कुतुब मीनार, ताजमहल जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए दो दिन का वक्त, कई बैठकें होने वाली हैं देवबंद में। जमीयते उलेमा हिंद का राष्ट्रीय सम्मेलन है, दो दिन के इस सम्मेलन की शुरुआत, आगाज आज हो चुका है, ये खबर आ रही है। और यहां पर बैक टू बैक कई बैठकें होनी है, ज्ञानवापी, कुतुब मीनार जैसे मसलों पर भी चर्चा होगी। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको अपडेट लगातार दिए जा रहे हैं। देखिए, देवबंद से हमारे पास खबर थी किस तरीके से दो दिवसीय वहां सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। जमीयते हिंद के इस सम्मेलन में बड़ी बड़ी बातों पर चर्चा होनी है, वहां से आने वाली अपडेट पर हमारी नजर है। और इसके अलावा आपको बताएं कि आज राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान भी बीजेपी कर सकती है, ये बड़ी खबर रहेगी। कार्य समिति की बैठक से पहले ये नाम सामने आ सकता है, इस पर जानकारी आएगी। जैसे ही ये जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्नौज से आई खबर की। एक हादसे का CCTV फुटेज सामने है, जिसमें तेज रफ्तार टेम्पो छात्रा को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है। इस हादसे में, दर्दनाक हादसे में छात्रा की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया है। हादसे की पूरी जो CCTV फुटेज है वो हमारे सामने है। बताया जा रहा है कि छात्रा साइकिल से कहीं निकली थी, और ये हादसे की विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि छात्रा अपने रास्ते पर अपनी साइकिल से जा रही थी, लेकिन पीछे से आए इस बेकाबू टेम्पो की रफ्तार की वजह से जिंदगी खत्म। देखिए, कन्नौज से ये फुटेज आया है, और जोरदार टक्कर, किस तरीके से ये टेम्पो कुचलते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। पास में एक शख्स मौजूद है, और पेट्रोल पंप लग रहा है जहां की CCTV फुटेज, और लोग भी ये वीडियो बना रहे हैं। ये दर्दनाक तस्वीरें हैं जहां रफ्तार का कहर ऐसी बिजी भीड़ भाड़ वाली जगह पर देखने को मिला है। ब्रेक ही नहीं लगता है इस टेम्पो का, और घसीटते हुए चला जाता है, और इस दर्दनाक हादसे में छात्रा की
मौत हो गई। छात्रा स्कूल से निकली थी, साइकिल पर सवार थी, लेकिन ये कन्नौज के फुटेज को हम देख पा रहे हैं जहां इस हादसे में इस बच्चे की जान जा चुकी है। किसी के कुछ समझ में नहीं आया, जिस तेजी से ये टेम्पो आता है और टक्कर मारते आगे बढ़ जाता है।